मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को धुरियापार में बने इंडियन ऑयल के सीबीजी प्लांट का लोकार्पण किया। इस मौके पर बासगांव लोकसभा क्षेत्र को 222 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात भी थी। सीएम ने 68 करोड़ रुपए से अधिक की 20 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और 154 करोड़ रुपए से अधिक की 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे। व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकाल करके गोरखपुर को ये सौगात दी है शिवरात्रि की, मैं इसके लिए हृदय से आप सभी की ओर से उनके प्रति हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, आज गोरखपुर को हम लोगों ने जहां इस प्लांट के साथ जोड़ा है, हजारों किसानों को पराली के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। यानी जो पराली जला दी जाती थी, पर्यावरण भी खराब होता था, आज हम प्रकृति के साथ साथ पर्यावरण की भी सुरक्षा कर पाएंगे, उनके अतिरिक्त आमदनी भी होगी। गोबर जो जहां तहां पड़ा रहता था उससे भी अतिरिक्त आमदनी होगी, यह तो हो ही रहा है। इससे 20 मीट्रिक टन बायोगैस बनेगी और 125 मीट्रिक टन यहां पे जैविक खाद भी इसके माध्यम से प्राप्त होगी।